तो कल हम लोगों ने जैसे कि उत्तरकालीन मुगल के बादशाहों के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के बाद अभी चार पांच और राजा थे जिनका छोटा छोटा चीज है जो इम्पोर्टेंट है। तो मोहम्मद शाह के बाद आप लोग लिखिए अहमद शाह। अहमद शाह के में ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका ईयर बस लिख लीजिए 1748 to 54, 1748 से 1754। अहमद शाह। उसके बाद लिखिए आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय का कार्यकाल था 1754 से 1758। इसमें दो इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि हम आज के क्लास में प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे। प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट इसलिए था क्योंकि यहीं से जो अंग्रेज लोग थे वो लोग क्षेत्रीय राजवंश मतलब बंगाल में धीरे धीरे अपना कदम रखना स्टार्ट किए, यहीं से वो लोग धीरे धीरे सभी राज्यों में घुसे। तो ये जो आलमगीर टू था उसके कार्यकाल में पहला हुआ, लिखो प्लासी का युद्ध और बैटल ऑफ प्लासी। मतलब ये 1857 की क्रांति से 100 वर्ष पूर्व घटित हो चुका था। और दूसरा चीज ये हुआ, जैसे हम लोग अभी पढ़ेंगे 1761 में पानीपत का प्रीति युद्ध, उसमें अहमद शाह अब्दाली आया था। तो पहले 1757 में आ चुका था, लिखे अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण आलमगीर टू के कार्यकाल में हुआ। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण आलमगीर द्वितीय के कार्यकाल में हुआ। इसमें दो चीज इम्पोर्टेंट है, पहला बैटल ऑफ प्लासी और दूसरा इन्वेड ऑफ अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। उसके बाद लिखिए शाहजहां तृतीय। शाहजहां तृतीय कार्यकाल लिखे 1758 से 1759। इसमें भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस पर बस डेट लिख लीजिए। उसके बाद लिखे शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। इसके में तीन इम्पोर्टेंट चीज हुआ, शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल था 1759 से, ये बहुत लंबे टाइम तक किया, 1759 से 1806। शाह आलम द्वितीय लिख लिए। इसमें हुआ सबसे पहले, अभी देखो इसका कार्यकाल कहां से कहां हो गया, 1759 से 1806। इसी बीच हुआ बैटल ऑफ पानीपत, पानी लिखो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। उसके बाद पानीपत का तृतीय थर्ड पानीपत बैटल। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध, दूसरे लाइन में लिखिए 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। लिख लिए। इसके कार्यकाल में क्या हुआ, जैसे अभी दो युद्ध हो गया, कौन कौन सा युद्ध हुआ, सभी लोग एक साथ बोलेंगे कौन सा युद्ध हुआ 1757 में, प्लासी का युद्ध, और 1764 में, 1761 में, ठीक है। अब इसके कार्यकाल में एक चीज और हुआ जो इम्पोर्टेंट है, जो मुगल बादशाह थे पहले स्वतंत्र थे, लेकिन अब ये लोग पेंशनर बन गए, किसके, ब्रिटिशर्स के, ये लोग हर साल पेंशन लेने लगे, मतलब अब ये लोग समझ लो इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स जो अंग्रेज का अधीनता को स्वीकार कर लिए, अब ये लोग
पेंशन खोर हो गए थे, सिर्फ ये लोग को पेंशन मिलता था और ये लोग अंग्रेजों का ऑर्डर लेना स्टार्ट कर दिए थे। यहाँ कहाँ से? शाह आलम द्वितीय से। स्टार्टिंग में क्या पढ़े? अहमद शाह, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आलमगीर टू का कार्यकाल 1754 से 1758, उसके बाद शाह जहां तृतीय, इसका कार्यकाल 1758 से 1754। शाह आलम द्वितीय, ये दोनों ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आलमगीर द्वितीय और शाह आलम द्वितीय। इसमें क्या क्या हुआ? तीन चीज हुआ। पहला, शाह आलम द्वितीय कार्यकाल में क्या हुआ? पहला पानीपत का युद्ध और युद्ध, और तीसरा पेंशन लेना स्टार्ट कर दिए। कौन? मुगल बादशाह। किससे? ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों से। ठीक है, इसके बाद लिखो अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय जिसका कार्यकाल था 1806 से लेके 1837, 1806 से लेके 1837। इसका इम्पोर्टेंट चीज यह है कि जो हमारे राजा राममोहन थे, उनको राय की उपाधि, राजा की उपाधि किसने दिया था करके क्वेश्चन आता है, तो राजा राममोहन रॉय को इन्होंने राजा की उपाधि दी थी। लिखो अकबर द्वितीय। राजा मोहन रॉय को राजा की उपाधि इन्होंने दी थी। और सन 1835, दूसरे लाइन में लिखिएगा, सिक्कों में मुगल बादशाहों का नाम लिखना बंद हो गया। मतलब ये लोग पहले सिक्का में क्या करते थे, अपना अपना जो जो बादशाह है वो लोग नाम लिखवाते थे। फिर 1835 में ब्रिटिशर्स ने नया कॉइनेज सिस्टम लाया, नया सिक्का प्रणाली लाया, तो ये लोग का बंद हो गया। ठीक है, लास्ट लिखे आपका है बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय मतलब आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही है जो 1857 की क्रांति को लीड किया था और सबसे बूढ़ा किंग था, ये तो रंगून भेज दिया गया। देखिए इसमें 1857 की क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। बाद में इनको अंग्रेजों ने बंदी बनाकर रंगून भेज दिया। अंग्रेजों ने इन्हें बंदी बनाकर रंगून, कहाँ है रंगून? म्यांमार का पुराना नाम बर्मा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग मुगल बादशाहों का ये अंतिम किंग पढ़ लिए। इसके बाद अपन पढ़ेंगे, इसको एक बार रिपीट करते हैं। पहले हम लोग क्या पढ़े? अहमद शाह। उसके बाद में क्या क्या इम्पोर्टेंट काम हुआ? और उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े हम लोग? इसमें कुछ नहीं पढ़े। इसके बाद क्या पढ़े? शाह आलम द्वितीय। इसमें तीन इम्पोर्टेंट चीज पढ़े, क्या क्या? वेरी गुड। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? कब पढ़े? अकबर को 1837। इन्होंने किसको उपाधि दिया? वेरी गुड। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज हुआ, वो क्या हुआ? और लास्ट हम लोग पढ़े क्या? ये 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया और इसको लास्ट में कैप्चर करके सन शायद 1861 या 62 के बीच में है, एग्जैक्ट मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, रंगून भेज दिया। ठीक है, लिख सकते हो डेट, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब अपन पढ़ेंगे इसके बाद कुछ, जैसे मुगल के बाद
अभी तक तो हम लोग शुरू में पढ़ लिए कि कैसे यूरोपियन कंट्री आए, पुर्तगालीज आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, ड्यून्स आए, है ना, और फिर हम लोग मुगल भी पढ़ लिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है भारत जैसे विशाल देश में केवल यही लोग राज्य कर रहे हैं। अभी हम लोग जैसे देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में किसी दूसरे का सरकार है, मध्य प्रदेश में किसी दूसरे का है, तेलंगाना में दूसरे का है, मिजोरम में दूसरे का है, अलग अलग दल के अलग अलग मुखिया हैं। उसी प्रकार जब ये उत्तरकालीन मुगल के जो शासक थे वो कमज़ोर होते गए, वैसे वैसे जो क्षेत्रीय राजवंश, जैसे मैं कल बताया था कि बंगाल में, अवध में, हैदराबाद में, पंजाब में जो क्षेत्रीय राजवंश थे, वो लोग अपना शक्ति का क्या करने लगे, प्रदर्शन करने लगे, या फिर अपना उत्तर क्या बोलते हैं अधिकार को जमाने लगे कि हम लोग भी अब एबल लीडरशिप कर सकते हैं, हमें शासन करने की क्षमता है, तो हम क्यों किसी के अधीन रहे। तो अवध, बंगाल और ये अलग अलग स्टेट आए अस्तित्व में, उतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, लेकिन ये पढ़ेंगे कि कौन सा जो वो था क्षेत्रीय राजवंश, उसका स्थापना किसने किया, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री में ये सब क्वेश्चन अभी एक दो तीन साल से ज़्यादा आ रहे हैं। ये छोटे छोटे जो हैं अवध और हैदराबाद और अपना बंगाल, ये सब का ठीक है। तो लिखिए, स्वतंत्र राज्यों का उदय, स्वतंत्र राज्यों का उदय। पहला लिखिए हैदराबाद। हैदराबाद लिखे इसका संस्थापक, हैदराबाद का स्थापना किया था निजाम उल मुल्क आसफ जाह, निजाम उल मुल्क आसफ जाह 1725 निजाम उल मुल्क आसफ जाह, सर 24 25 मतलब में था 25 लिख 24 25 ऐसे टाइप स्टार्टिंग हो गया था। संस्थापक है, फाउंडर ऑफ हैदराबाद सिटी। ऐसा नहीं था कि हैदराबाद उस समय नहीं, हैदराबाद पहले से था, लेकिन उसको एक राज्य के, स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया कि यहाँ से हम एक शासन प्रणाली चलाएंगे, ठीक है। निजाम उल मुल्क आसफ जाह, ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया था और अभी यूपीपीसीएस में भी आया था, एक दो साल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बढ़ गया था क्वेश्चन का। क्यों बढ़ गया है, क्योंकि अभी तक हिस्ट्री में एक क्वेश्चन को पूछा नहीं जा रहा था। हाँ, हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो जब ये लोग शामिल नहीं हुए थे ना, तो 1948 में चलाया गया था, हाँ, ऑपरेशन पोलो, ठीक है। इसमें और इम्पोर्टेंट तो एक और लिख लो, इसमें लिख लो बैटल ऑफ सकर खेड़ा, बैटल ऑफ सकर खेड़ा 1724। इसने 1724 में इस युद्ध के दौरान जो अपने मुबारिज खान थे, मुबारिज खान की हत्या की, इतना बस लिख लो, इम्पोर्टेंट नहीं। अब लिखो मुबारिज खान को हत्या कर दी, इतना लिख लो बस इसमें, क्या लिखें, मुबारिज खान की हत्या कर दी मुबारिज खान, ठीक है। हैदराबाद पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग शॉर्ट में पढ़ेंगे अवध। इसको इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आगे हम लोग जैसे होगा एंग्लो मैसूर वार, चार अलग अलग आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है, मराठा युद्ध हुआ है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड अपने को कॉन्टेक्स्ट सेट करना है, एकदम से अचानक से युद्ध पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा, हर एक चीज़ का कनेक्शन है। मैंने पहले क्लास में भी बताया था, हिस्ट्री को हम लोग याद करने के लिए नहीं पढ़ते, उसका हर एक चीज़ का लॉजिक है, ऐसी कुछ भी हुआ है उसको ऐसी अचानक से युद्ध नहीं होने लगा, उसके पीछे कुछ कारण है। युद्ध क्यों होगा भाई, कोई इंसान में युद्ध क्यों होगा, क्योंकि एक इंसान डोमिनेट करना चाहता है किसी भी जगह हो, क्षेत्र हो। स्पोर्ट्स में भी हम लोग एक प्रकार से युद्ध करते हैं, कम्पीट करते हैं एक दूसरे को हराने के लिए,
दौड़ते हैं। क्रिकेट में भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, युद्ध ही है, मैच एक युद्ध है, कोई एक जीतेगा कोई एक हारेगा, लेकिन दोनों नहीं जीतेंगे या दोनों नहीं हारेंगे। तो हिस्ट्री में हम लोग जो भी युद्ध पढ़ रहे हैं उसके पीछे अधिकतर ये रहता था कि किसी को किंग बनना है या अपना साम्राज्य का विस्तार करना है। ठीक है, तो अवध लिखिए। अवध कौन से क्षेत्र में है? बंगाल। बंगाल में कहाँ है अवध? यूपी एरिया में है, इलाहाबाद साइड का एरिया अवध एरिया, इलाहाबाद वाला एरिया, थोड़ा इधर भी जाते हैं। ठीक है, तो अवध का फाउंडर था, थोड़ा सा नाम सादत खान, सादत खान सादत खान बुरहान उल मुल्क। इतना ही जानो, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद बंगाल, लिखिए इसका हिंदी में। अब बंगाल का लिख लो, संस्थापक थे इसके मुर्शिद कुली खान। ठीक है, मुर्शिद कुली खान खान है। तो देखो बंगाल का संस्थापक आप लोग के बीच बैठा है, उसका पर पोता गुलाम नबी खान ठीक है ना। बंगाल को अभी कौन संभाल रहे? साहब यहाँ बैठे हो, ये अवध कभी ये इसके चाचा थे, सादत खान बुरहान उल मुल्क। तो सारे चीज हिस्ट्री यहीं से पढ़ना है हम लोग को, है ना। अब उसके बाद और इम्पोर्टेंट चीज तो नहीं है, अब अपन सीधा पढ़ते हैं। दूध डाला तो बोले मिली मना है इधर जाकर हम आदमी ऊपर चढ़ा के आए हैं, दूध डाला तो साइड में रख दो, अभी लगा दिए तक। अब आज बंगाल और क्या क्या पढ़े हम लोग, हैदराबाद। हैदराबाद का कौन है संस्थापक? निजामुद्दीन। और अवध का? अवध का बंगाल का मुर्शिद कुली खान। जो अभी वर्तमान में कहाँ बैठा है? अब हम लोग पढ़ेंगे ये तीनों चीज को सेट कर दिए। तीन ये क्षेत्रीय किंगडम थे जो ब्रिटिश के अथॉरिटी को, उनके अधिकार क्षेत्र को चैलेंज कर रहे थे बार बार। ठीक है, चैलेंज कर रहे थे। तो इसी बीच अब ब्रिटिशर्स इतने दूर से आए हैं, कम दिमाग के तो थे नहीं, कम दिमाग के रहते तो 1947 तक तो राज करते नहीं, है ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये लोग कैसे, जो उन लोग के जैसे मान लो बंगाल था, वहाँ के जो कुछ कुछ व्यापारी थे, अमीर चंद और अलग अलग नाम के लोग थे, तो वो लोग को वो क्या किया, लोभ दिया कि आप लोग हमारा युद्ध में साथ दो, हम लोग आपको व्यापार में पार्टनर बनाएंगे, या फिर आपको पेंशन देंगे, या फिर आपको ये वाला रियासत को सौंप देंगे, या ये वाली जमींदारी को सौंप देंगे। ऐसा ऐसा करके लोग मीर दुर्लभ और अलग अलग होमी चंद, अलग अलग जो लोग थे वो लोग को लालच दिया। अभी जैसे चुनाव चल रहा है छत्तीसगढ़ में, वोट लेने के लिए सब गांव में जाएंगे, आपको बोलेगा मैं गांव में हूँ तो तुरई बनवाऊँ डैम, तो डैम अगले 5 साल तक नहीं बने। हाँ, कुछ भी है, मतलब लालच दिलाता है इंसान। अभी वोट देने के लिए
बोलेगा ये करूंगा वो करूंगा, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते। अभी दुर्गा मैया जी का मूर्ति बैठा है उसमें चंदा दे दिया, एक लालच हो गया, आ रहा है भैया 1100 रुपए चंदा काट के रही, खुशी हो जाते हैं, है ना। तो अब अपन पढ़ेंगे कि कैसे एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश ब्रिटिश साम्राज्य का हिंदी में लिखो, अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश, इसी में हम लोग पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। इस टॉपिक में हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे क्या, बैटल ऑफ विस्तार कीजिए। पागल प्लासी का युद्ध लिखिए, या रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस या विरुद्ध सिराज उद दौला रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराज उद दौला। मोहम्मद सिराज, सिराज उद दौला कौन था? अवध का नवाब था, ठीक है, मुगल बादशाह नहीं था, अवध का नवाब था। और रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों का सेनापति था, है ना, रॉबर्ट क्लाइव। अब क्या हुआ, ये लोग कैसे किए, 1757 में सिराज उद दौला के दरबार में अलग अलग व्यापारी लोग थे, या फिर उसके जो खास मतलब सेनापति था सिराज उद दौला, मीर जाफर को ये लोग अपने साइड ले आए। कौन लोग? अंग्रेज लोग। मतलब ये लोग चाल चले कि मीर जाफर तुम आ जाओ, सिराज उद दौला के बाद किंग आपको बनाएंगे। भाई किंग बना रहा है तो कौन नहीं चाहेगा किंग बनना, खान भाई को अभी लोरमिक विधायक का टिकट देंगे तो नहीं लड़ोगे? सिराज उद दौला के बाद ये जो मीर जाफर था उसको ये लोग बोले कि आ जाओ आप हमारे साइड, हम आपको किंग बनाएंगे। तो इसके आगे लिखो, मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर सिराज उद दौला को युद्ध में हरा दिया। युद्ध में अब अगर कोई पार्टी हार गया तो हारेगा तो भाई जो जीता रहेगा उस क्षेत्र का फायदा उठाएगा, है ना। युद्ध क्यों लड़ रहा है, वैसे ही तो अपने इंसान को नहीं मरवा रहे, है ना। मैं युद्ध लड़ रहा हूँ अगर तो मेरे को कुछ फायदा होना चाहिए युद्ध लड़ने से। तो आगे लिखो, इससे अंग्रेजों ने बंगाल में व्यापार और वाणिज्य में एकाधिकार प्राप्त कर लिया। अभी बंगाल क्षेत्र में बस किया है, पूरे भारत में नहीं किया है। स्टार्टिंग मतलब ये एक्सपेंशन हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले लोग हाँ व्यापार और वाणिज्य में एकाधिकार प्राप्त कर लिया। दो चीज और है इसमें लिखो,
मीर जाफर ने मीर जाफर ने बंगाल के नवाब के रूप में अपना जगह बनाया मतलब अब बंगाल का नवाब बन गया कौन? मीर जाफर। मीर जाफर जब बना तो भाई उसको किंग बनाया है अंग्रेज लोग ने, तो उससे कुछ मंगेगा ना। ऐसी तो मैं किसी को किंग नहीं मंगाऊंगा, किंग बनाने के लिए वो मेरे को कुछ देगा। तो उसने क्या किया, अभी वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला का नाम है जिसको बोलते हैं 24 परगना। 24 परगना एक जिले का नाम अभी वर्तमान वेस्ट बंगाल में है अभी, ठीक है। तो लिखो, इसने अंग्रेजों को 24 परगना ऐसा लिखना, 24 पर जगह का नाम है जिला का, अभी जिला है 24 परगना का जमींदारी, 24 परगना के जमींदारी अंग्रेजों को सौंप दिया। लिख लिए, लास्ट ही लिखो। मीर जाफर ने कलकत्ता में अंग्रेजों का संप्रभुता या सोवरेनिटी स्वीकार किया। संप्रभुता मतलब वहाँ पे कलकत्ता में वो लोग को पूरा अधिकार मिल गया कि वे जो चाहे वो कर सकते हैं। संप्रभुता संप्रभुता ठीक है। अभी इस युद्ध से लिखो मत इसको समझो, इस युद्ध से क्या हुआ कि अंग्रेजों ने जो अपना साम्राज्य विस्तार की योजना थी उसका आधारशिला, उनको लगने लगा कि जब हम बंगाल अवध के राजाओं से जीत सकते हैं, क्योंकि वो लोग उस टाइम के पावरफुल थे, तो हम लोग भारत के अन्य क्षेत्र में भी जा सकते हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने साम्राज्य विस्तार की नींव रखी। तो ये बैटल ऑफ प्लासी है, 1757 का प्लासी का युद्ध। हम लोग जैसे कल 3 कर्नाटक वार पढ़े थे, हर युद्ध में कोई कमांडर होता था, कोई जगह होता था, जगह होने के साथ साथ हम लोग युद्ध के अंत में देखते थे कि ये लोग कोई संधि साइन करते थे, आपस में संधि बनाते थे। युद्ध तो हो गया, ऐसा नहीं है कि पूरा सब लोग खत्म हो गए, हारे इसका मतलब ये नहीं है कि वो एकदम से हार गए और पूरा सब के सब उसके खत्म हो गए। आक्रमण का चांस बना रहता है, कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो उन अटैक से बचने के लिए इन्होंने एक संधि किया, बैटल ऑफ प्लासी के बाद एक संधि किया। उस संधि का नाम क्या है, मीर प्लासी और संधि हुआ था 1760 में। इस संधि का जो नाम था कोई पर्टिकुलर नाम नहीं था, लेकिन संधि में ये हुआ, मीर जाफर उस समय किंग था और रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों का। लेकिन वो रॉबर्ट क्लाइव क्या करने लगा, बहुत ज़्यादा फायदा उठाने लगा वो। मतलब अगर मान लो आप किसी को रखे हो काम में, तो आपको लगने लगता है कि वो मेरा ही आदमी होता है, मतलब उसके मैं पर्सनल लाइफ में भी घुस जाऊँ, 24 घंटा कभी भी फ़ोन करूँ वो आ जाए, मैं जितना पैसा मांग रहा हूँ उतना दे, ऐसा सोचने लगा। तो ये मीर जाफर को चिढ़ने लगा, वो इरीटेट होने लगा, इससे रॉबर्ट क्लाइव दस्तक प्रणाली था उसने। मतलब दस्तक प्रणाली क्या था, एक परमिट था कि आप ट्रेड कर सकते हो। तो दस्तक प्रणाली को जो फर्रुख सियार का कल मैं पढ़ाया था ना, फरमान जारी किया था मैग्ना कार्टा ऑफ मुगल एम्पायर करके, तो जो दस्तक वो किया था, दस्तक प्रणाली सिस्टम का जो फाउंडेशन रखा था वो अभी तक कंटिन्यू नहीं चल रहा था। तो उस दस्तक से लोग को एक परमिट था कि हम लोग बिना टैक्स के क्या कर सकते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आयात या निर्यात कर सकते हैं, आप बीच में कोई भी दखल अंदाजी क्षेत्रीय राजनीति या क्षेत्रीय राज्य का अधिकारी हमारे बीच में नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद ये मीर जाफर तो साथ दिया था अंग्रेजों का,
लेकिन इसके बाद क्या हुआ, मीर जाफर के बाद मीर कासिम आए, मीर कासिम, मीर जाफर को ये लोग हटा दिए। शुरू में इसको बनाए थे, लेकिन इसको जब ये अपोज करने लगा कि आप क्यों इतना वो कर रहे हो, हमको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, 100 रुपये आ रहा है उसमें 90 रुपये आप ले जा रहे हो, हमको 10 रुपये मिल रहा है करके वो लोग कंप्लेन करने लगे। लेकिन वो तो अंग्रेज है भाई, उनका काम निकला चल निकल, मेरे तेरे जैसे और कितनों आ जाएंगे मेरे पास। मीर जाफर के बाद कौन आया, मीर कासिम, ठीक है। मीर जाफर के बारे में ठोल लिखो, मीर जाफर ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर में राजधानी परिवर्तन किया। मुर्शिदाबाद से कहाँ परिवर्तन किया राजधानी, मुंगेर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी कंप्लीट हो गया, एक बार सभी मिलकर रिवीजन करेंगे, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, 1757, किसके किसके बीच हुआ, ठीक है। उसके बाद किसकी जीत हुई इसमें, सिराज उद दौला और अंग्रेजों ने मिलकर, अंग्रेजों ने मिलकर, मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ दो मिलके हराया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अधिकार मिल गया। उसके बाद 24 परगना को ये सौंप दिए, ठीक है। और इसने कहां से कहां कैपिटल शिफ्ट कराया, मुर्शिदाबाद से, ठीक है। किसे इसके मध्य हुआ, हेक्टर मुनरो, बैटल ऑफ बक्सर, हेक्टर मुनरो ये ब्रिटिश साइड से था, वो लोग कमांडर इन चीफ, और इधर से 3 लोग शामिल हो गए, कौन कौन, मीर कासिम, मीर जाफर के बाद मीर कासिम बना था, मीर कासिम। इस समय मुगल एम्पायर कौन था, मुगल बादशाह, 1764 में कौन था बताओ, देख के शाह आलम द्वितीय, ठीक है। मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, और एक जने और था अवध का नवाब भी इसमें शामिल हो गया, शुजाउद्दौला, सिराज नहीं है ना, ये शुजा अलग है, सिराज अपना कहाँ था, बंगाल में था, ये शुजा जो है शुजाउद्दौला अवध का नवाब था, ये तीनों मिलके इसको लड़े। मीर कासिम कहाँ का था, अभी मीर कासिम बंगाल, अभी ये बंगाल में था, मीर जाफर के बाद मीर कासिम बना था, ठीक है। जब अंग्रेजों को लगने लगा जाफर हमारे काम का नहीं है, तो इसने मीर कासिम को बना दिया, लेकिन मीर कासिम को भी वही सेम प्रॉब्लम हुआ जो मीर जाफर को हुआ, वो लोग को जो दस्तक प्रणाली था वो लोग को पसंद नहीं आया, ये लोग ज़्यादा अपने आप को मतलब एक्सप्लॉइट करने के लिए वो हो गए थे, उनको बहुत ज़्यादा ये लोगों का दुर्दशा कर दिए थे, राज्य का पूरा जो राजस्व धन था उसको अपने नियंत्रण में लिया। इस चक्कर में मीर कासिम गया मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के पास, और ये अवध किंग था उस समय शुजाउद्दौला, ये तीनों मिल के इनके खिलाफ क्या किए, लड़ाई, ठीक है। लेकिन उस समय ये लोग पावरफुल, ये तीनों मिल गए, फिर भी ये लोग जीते, क्यों जीते, क्योंकि उनके पास केवल लीडरशिप था, उनको पता था कि ये लोग को कैसे हराना है, क्या बात करना है, क्या संधि करना है, उनके पास बहुत मिलिट्री जो था, मिलिट्री उस समय वो लोग का स्ट्रांग था, हमारे ये लोग से हाथ वाथ पैर से लड़ रहे, लेकिन वो लोग के पास गोला बारूद आ गया था,
ठीक है, वो लोग के पास आधुनिकतम हथियार वगैरह आना स्टार्ट हो गया था, लेकिन हमारे जो लोग थे अभी घुड़सवार यही सब चीज का प्रयोग करते थे। तो ये तीनों तो मिल गए, लेकिन जीता कौन? हेक्टर। कौन जीता? हेक्टर। सभी लोग बोलेंगे कौन जीता? हेक्टर। किसको हराया? कौन से सन में? 64। इसके बाद लिखो इसमें, इसमें संधि का नाम हुआ था, वो पिछले वाले में संधि हुआ था लेकिन उसका कुछ पर्टिकुलर नाम नहीं था। इसमें हुआ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसे इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद है ना अभी वर्तमान में, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद ₹1765 युद्ध लड़ा ये था हेक्टर मुनरो, लेकिन ये संधि को कंक्लूड किया था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव फिर वापस आ गया था, बीच में चले गया था प्लासी के युद्ध के बाद, फिर ये आ गया 1765 के आसपास में। रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग आएगा। अभी हम लोग धीरे धीरे अब गवर्नर जनरल को भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कैसे कौन गवर्नर जनरल क्या लाया, लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या लाया, लॉर्ड बेंटिक क्या लाया, लॉर्ड रिपन क्या लाया, अलग अलग गवर्नर जनरल और वायस राय सबका नाम चेंज होते गया अलग अलग टाइम में, वो सब भी पढ़ना भी स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अब धीरे धीरे ये कॉन्टेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं ये अपन पॉलिटी में भी पढ़ेंगे। द्वैत शासन प्रणाली क्या था 1772 में, अभी आएगा धीरे धीरे, इसको हम लोग पॉलिटी से भी लिंक करेंगे। सारा चीज़ इंटरलिंकेज है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सारा सब्जेक्ट, इकोनॉमी, हिस्ट्री में भी इकोनॉमी भी पढ़ेंगे, कैसे एक समय में भारत जो विश्व का जीडीपी का लगभग 1/4 लगभग 24-25% जीडीपी भारत से होता था, जब ये लोग आज़ाद जब भारत को छोड़ के गए, भारत का जीडीपी का विश्व में हिस्सा लगभग 2-3% हो गया, इतना ये लोग मतलब लूट डाले थे। ये लोग इतना लूटे थे कि अपने वहाँ के भी कर्मचारियों के लिए पैसा ये भारत से लेके जाते, वहाँ के राजा रानी के रख रखाव के लिए भी पैसा भारत से जा रहा था, और इस सारे वर्गों को नष्ट कर दिए, चाहे वो कारीगर थे, चाहे वो किसान थे, चाहे मजदूर थे, सभी वर्गों को पूरा बर्बाद कर दिया, पूरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तहस नहस किया। उसके बाद शहर में जो कारखाना छोटे छोटे लघु एवं मध्यम उद्योग थे उसको भी तहस नहस कर लिया, जिससे शहर से लोग गांव में जाने लगे। बहुत सारा सूखा आया इन्हीं लोग के कार्यकाल में, इतना एक्सप्लॉइट किए, रेल की देन तो अंग्रेजों ने किया था लेकिन ये रेल को हमारे सुविधा के लिए नहीं लाया था, इनको व्यापार में सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना था, कच्चे माल को, जिससे वो लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा सामान बना के यहाँ कच्चा माल से सामान बना के इसको यूरोपियन देश में बेचते, और यहाँ से जो भारतीय जो कारीगर थे वो लोग सामान बना रहे हैं उसमें हैवी ड्यूटी लगाते थे। वहाँ मान लो कोई एक मार्कर है 10 रुपये का, उसमें 90% टैक्स लगा दिया, अब ये 19 रुपये में जाएगा, वहाँ 19 रुपये में कौन लेगा, वहाँ पे मार्कर 12 रुपये में वो लोग को मिल रहा है, भारतीय सामान में वो लोग हैवी ड्यूटी लगाने लगे, और यहीं के कच्चे माल को ये लोग यूज करके सामान बना के अपना वहाँ पे ले जा रहे थे। तो ऐसे धीरे धीरे ये लोग कोई भी पॉलिसी लाए, जैसे लॉर्ड मैकाले ने एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश का इंट्रोडक्शन किया था, तो अंग्रेजी सिखाने का मकसद ये नहीं था कि भारत के लोग अंग्रेजी में हमसे बात करें, उनका मतलब था कि कुछ वर्ग के लोग अंग्रेजी सीख जाए जिससे उनका ऑफिशियल काम काज हो जाए, मतलब वो लोग बनाना चाहते थे वो अंग्रेजियों को, अंग्रेजी को अधिकतर कहा जाता है ये काम काज की भाषा थी, काम काज निकल जाए उनको कोई मतलब नहीं है आपके एजुकेशन से, वो चाहते थे तो हिंदी में भी पढ़ा सकते थे, उस समय इंग्लिश लैंग्वेज का कोई वो नहीं था, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग से ही अंग्रेज को इंग्लिश लैंग्वेज को एजुकेशन का मीडियम बनाया था। तो अंग्रेज लोग का हर एक पॉलिसी के पीछे उनका एक इंटेंशन था छुपा हुआ, किसके फायदे के लिए था, उन्हीं के लिए फायदे के लिए। हालांकि भारतीय के कुछ समाज सुधारक हुए, कुछ लोग हुए जो उस चीज़ को पॉजिटिव लेके उससे फ़ायदा लिए, फ़ायदा लेके उसका क्रिटिसाइज़ किया। शुरू में कई लोग थे कि हम अंग्रेजी शिक्षा लेंगे या नहीं लेंगे, वेस्टर्न एजुकेशन लेंगे या नहीं लेंगे, कुछ लोग बोलते थे कि हमें भारतीय जो शिक्षा प्रणाली है उसको ही अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ, ये लोग जीत गए। अब ये लोग पहले तो हम लोग देखे थे कि ये लोग अभी तक कहाँ प्लासी में, सिर्फ बंगाल क्षेत्र में है ना, अब 1764 के बाद ये लोग और भी रीजन में जाके अपना
क्षेत्राधिकार बढ़ा लिए, ठीक है। कौन सा ट्रीटी साइन हुआ था? अब बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुआ? नाम से समझ आ रहा है द्वैत मतलब क्या होगा? डबल हो गया ना, द्वैत शासन प्रणाली। बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बक्सर हुआ, और रॉबर्ट क्लाइव को लगने लगा कि भाई हम लोग क्यों व्यापार तक ही अपने आप को सीमित रखे, क्यों हम लोग अपने आप को जो निजामत होते थे, जो जस्टिस सिस्टम, जो न्यायिक प्रणाली था, उसमें भी ये लोग अब शुरू में लोग व्यापार में घुसे। अब व्यापार के बाद इनको लगा कि हम लोग कानूनी उसमें भी जाएं, न्यायिक मामलों में लोगों को सिविल और क्रिमिनल राइट जो लोगों का था उसमें भी ये लोग घुसने लगे। कहे कि व्यापार करेंगे तो आपस में लड़ाई होगा, उस लड़ाई को सॉल्व करने के लिए लोग सोचे कि हम लोग न्यायिक व्यवस्था को भी अपने हाथ में ले लें। न्यायिक व्यवस्था उस समय बंगाल और अवध में निजामत लोगों के थे, निजामत अपॉइंट करते थे सूबेदार, वो लोग इस सिस्टम को कंट्रोल करते थे, और जो एम्पायर होते, जो खुद राजा होता था, वो लोग दीवानी को रखते, दीवानी होता था जो सिविल चीज, मतलब सामान्य चीज़ों में, जैसे मान लो पारिवारिक फैमिली वैमिली में कोई इश्यू हो गया या फिर कुछ वो हो गया, वो होता था आपका दीवानी व्यापार वगैरह। निजामत में जैसे कोई मर्डर वर्डर हो गया, मारपीट हो गया, या क्रिमिनल केस हो गया बलात्कार से संबंधित, या कुछ और ऐसे चीज़ हो गया, वो किसमें आता था? निजामत, दीवानी और निजामत सिस्टम होता था। तो दीवानी स्टार्टिंग में जब बंगाल में जो राजा लोग थे दीवानी को रखते थे, और निजामत सिस्टम के लिए वो लोग सूबेदार नियुक्त करते थे। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, दोनों सिस्टम को अपने हाथ में लिया, अपने हाथ में लिया था, लेकिन वो अपने आप को उस चीज़ के लिए जवाबदार नहीं रखते थे, कंट्रोल करते थे लेकिन जवाबदारी नहीं लिए थे कि हम लोग इसको ले चुके, उस चीज़ को कंट्रोल करते थे लेकिन ये डायरेक्ट नहीं बोला है। मतलब मान लो कोई विधायक जैसे अमित शाह है, किंग मेकर है, चला रहा है देश को, लेकिन ये नहीं बोलेगा डायरेक्ट आके कि मैं अंदर से चला रहा हूँ पार्टी को, समझ गया? तो डबल दो, इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है कि द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की, कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव। फिर बाद में इसको जाके वारेन हेस्टिंग समाप्त कर दिया, लिख लो इसमें दो तीन लाइन, रॉबर्ट क्लाइव की द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इसके अंतर्गत दीवानी के बाद ब्रैकेट बना के लिखना राजस्व संग्रहण, के बाद और लिखो दीवानी के बाद और निजामत, निजामत में ब्रैकेट करके लिखो पुलिस और राजस्व संग्रहण, दीवानी के बाद लिखो उसमें ब्रैकेट डाल के राजस्व संग्रहण, उसके बाद ब्रैकेट बंद और निजामत के बाद लिखना ब्रैकेट में पुलिस और न्यायिक प्रणाली, पुलिस और न्यायिक प्रणाली को कंपनी ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। शासक से, बंगाल के शासक से दीवानी का अधिकार लिया तथा
सूबादार से निजामत का अधिकार लिया। सूबादार से निजामत का अधिकार लिया। लास्ट लिखे इसका सन 1774 में वॉरेन हेस्टिंग ने इस प्रणाली का खात्मा या अंत किया। ठीक है, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है कि रॉबर्ट क्लाइव ये सिस्टम ला के इतना पैसा कमाया था इस पे चार्जेस लग गए थे अलग अलग, मतलब अपराध का वो लग गया आरोप। ठीक है, तो ये आत्महत्या कर लिया 1772, लेकिन इसको बरी कर दिए थे कि आप वो नहीं हो दोषी, फिर भी ये हत्या कर लिया था। इसको लगने लगा कि ये मेरे से भारत जैसा क्षेत्र छीना जा रहा है। 1772 रॉबर्ट क्लाइव के बाद आएगा अपना वॉरेन हेस्टिंग को हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉलिटी में इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि चार्टर एक्ट वगैरह 72 यही सब इसके कार्यकाल में आया था। क्या कहेंगे आज का कंप्लीट करते हैं इसको, चलो रिवाइज करके आज का क्लास यहीं पे करेंगे। फिर कल से अपन लोग पढ़ेंगे आंग्ल मैसूर वार होगा, 4 अलग अलग उस युद्ध के बारे में पढ़ेंगे कल से। ठीक है, उसके बाद अपन एंग्लो मराठा भी पढ़ेंगे और एंग्लो सिख भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। जो है शासन प्रणाली कौन लाया? लास्ट है क्लास का, आई वॉन्ट जोश फ्रॉम ऑल। द्वैत शासन प्रणाली कौन लाया? कब लाया? 1765। वो हो गया था बैटल ऑफ बक्सर खत्म। ठीक है, इसमें दीवानी का राइट इन्होंने किससे छीना था? शासकों से। और निजामत का? सूबेदार से। ठीक है, इसका अंत कब हुआ और किसने किया? वेरी गुड। तो कल से अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे टीपू सुल्तान और हैदर अली, उसके बाद ये लोग के बीच में जो मैसूर कर्नाटक क्षेत्र है वहाँ पे 4 अलग अलग युद्ध हुए, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग संधि के बारे में। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।